तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एमएस एक्सेल कितना ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है हमारी लाइफ के लिए और हमारे काम के लिए भी। अगर एमएस एक्सेल में हमें कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज पता लग जाए जिससे हमारा काम और आसान हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, एक्सेल में हम किस तरीके से और शॉर्टकट कीज को अप्लाई कर सकते हैं और अपने काम को और कैसे इनोवेटिव कर सकते हैं। तो जैसा कि आप ये कंप्यूटर स्क्रीन कुछ डेटा देख पा रहे हो, ये कुछ डेटा लिखा हुआ है, इसके अंदर हमारे पास डेट है, प्रोडक्ट है और टोटल सोल्ड है। मतलब ये कुछ फ्रूट्स के नेम्स हैं जो डे वाइज इस हिसाब से सेल सोल्ड हुए हैं। लेकिन आप जैसा देख पा रहे हो, यहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो मतलब सफल हो रहे हैं। ऑरेंज का नाम 2 बार आया है, 3 बार आया है, एप्पल का नाम 2 बार 3 बार आया है, मैंगोज का नाम भी कई बार आया हुआ है। तो इस तरीके से इनमें हमें डेटा शॉर्ट करने में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मुझे अभी एप्पल का टोटल एप्पल कितने हैं उनका सम निकालना हो, या टोटल ऑरेंज कितने हैं उनका सम निकालना हो, कितने टोटल सोल्ड हुई हैं एप्पल उतना उनका सम निकालना हो, तो वो बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस पूरे डेटा को एक टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल टी। जब आप कहीं पे भी इस डेटा के अंदर सेल पे क्लिक करो, किसी भी सेल पे क्लिक करो और यहाँ से कंट्रोल टी केवल कीबोर्ड से टाइप करो। जैसे आपने कंट्रोल टी टाइप किया तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल। मतलब जहां पे भी आपका टेबल के अंदर डेटा है उसने वो बाय डिफॉल्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है, रेंज बनाती है उसकी। अब सेकंड चीज क्या पूछ रहा है, माय टेबल हैज हेडर। अगर आपके पास टेबल के पास हेडर है तो इस पर टिक करो, अदरवाइज नहीं करो। हेडर क्या होता है, जो ये आपने ऊपर डेट, प्रोडक्ट और नंबर ऑफ सोल्ड ये लिखे हुए हैं इस टाइप से, तो मेरे पास है, मैं इस पर टिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने ओके किया, अब मेरे पास क्या हो गया, ये पूरा डेटा एक टेबल में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए, तो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी हो गया है, थोड़ा इनोवेटिव भी हो गया है। तो इस तरीके से ये टेबल में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन साथ ही साथ जैसे ही इसे टेबल में कन्वर्ट हुआ और इस टेबल में किसी भी सेल में मैंने क्लिक किया, तो क्या हुआ, रिबन टैब के अंदर एक और टैब ऐड हो गया डिजाइन का। अब इस डिजाइन को, इस डिजाइन टैब की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस पूरे टेबल के अंदर। तो कैसे कैसे हैं इसमें, हम देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसमें हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं टोटल रो का सम। वो कैसे कर सकते हैं, केवल एक सिंगल क्लिक में हमें करना है। ऐसे लिखा हुआ है टोटल रो, टोटल रो पर जैसे टिक करोगे आप, ये देखिए इसने अपना आपसे यहाँ पे आपको सम करके दिखा दिया है, पूरे रो का सम यहाँ से इसने करके दिखा दिया है। तो एक सिंगल क्लिक में हम टोटल रो का सम कर सकते हैं, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अब आप चाहते हो कि जो ये ऑरेंज लिखे हुए हैं, मैंगोज लिखे हुए हैं, या अलग अलग जो डेटा लिखा हुआ है फ्रूट्स का, ये इस तरीके से आए कि मैं किसी पे भी क्लिक करूं और ये उसका ही सम यहाँ पे दिखाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, वो क्या होता है, इंसर्ट स्लाइसर का। जैसे आप यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर का टिक करोगे, ये क्या पूछ रहा है, आपको किस किस डेटा के ऊपर स्लाइसर लगाना है। हमें लगाना है प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे आप प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे और ओके करोगे, तो क्या होगा, यहाँ से इसने एक इस तरीके से एक प्रोडक्ट स्लाइसर बना के दिखा दिया है आपको। अब इसका क्या यूज है, इसका बहुत ही अच्छा यूज है इस पूरे एक्सेल के अंदर। अब जैसे मैं चाहता हूँ केवल एप्पल एप्पल का डेटा मेरे पास शो हो और उसका ही टोटल यहाँ पे, टोटल जो यूनिट सोल्ड हुई है उसका टोटल यहाँ पे शो हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, केवल एप्पल एप्पल वाले टैब पे क्लिक करूंगा इस तरीके से। तो इसने क्या करा, केवल एप्पल एप्पल का डेटा हमें दिखाया और उसका ही सम दिखाया, देखिए तो कितना अच्छा हुआ। ऐसे ही मैं मैंगोज पे भी कर सकता हूँ, ये देखिए। अब मेरे को ऑरेंज के चेक करना है तो मैं ऑरेंज पे क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं इजीली एक सिंगल क्लिक में, कंट्रोल टी और टेबल की क्रिएट टेबल की मदद से। अब आप चाहते हो कि आपको एप्पल और ऑरेंज दोनों का डेटा एक ही शीट में शो हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल की हेल्प से ऑरेंज और एप्पल दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए दोनों का डेटा इसने यहाँ से दिखा दिया एक्सेल के अंदर। तो ये हम इसमें मल्टीपल चूज भी कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इसकी फीचर है स्लाइसर का। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, इसमें जो तीसरी चीज है टेबल क्रिएट करने का जो फायदा है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे मैं इस कुछ स्लाइसर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, उस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से रिमूव प्रोडक्ट पे दबूंगा, तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब फिर से मैं इस, जैसे मैं कहीं पे भी इस टेबल के पास क्लिक करता हूँ तो ये डिजाइन वाला ऑप्शन यहाँ नहीं आता।
लेकिन जैसे ही मैं इस पूरी टेबल में कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो ये डिजाइन का ऑप्शन आएगा, और डिजाइन पहले भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने डिजाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है। इसके अंदर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो है रिमूव डुप्लीकेट का। तो आपको कोई भी डेटा रिमूव करना हो इसके अंदर जो डुप्लीकेट हो, तो वो बहुत ही इजीली आप कर सकते हो, एक क्लिक के अंदर कर सकते हो। आप जैसे यहाँ से कुछ डेटा, कुछ आइटम ऐसी हैं जो दो बार सोल्ड हो गई हैं, जैसे यहाँ पे ऑरेंज लिखा हुआ है और यहाँ पे भी ऑरेंज लिखा हुआ है, तो 612 में दो बार कर देता हूँ इस तरीके से। अब मेरे को ये आइटम जो दो बार सोल्ड हो गई है इसको रिमूव करना होगा, तो यहाँ से केवल एक रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन ये है, टैब है, इस पर क्लिक करूंगा। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपको किस डेटा में से रिमूव डुप्लीकेट करना है। अब अगर जो मैं यहाँ से डेट में कर देता हूँ तो वो डेट रिमूव हो जाएंगे, लेकिन डेट में मेरे को करना नहीं है। प्रोडक्ट में करता हूँ तो प्रोडक्ट में क्या होगा कि ये कुछ डेटा ही नहीं दिखाएगा, केवल यूनिक डेटा दिखा देगा आपको, तो ये भी हमें नहीं करना। मैं करके दिखाता हूँ आपको प्रोडक्ट का भी। प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो इसने क्या करा, केवल ऑरेंज मैंगो इन सब का ही डेटा दिखाया आपको, बाकी सारा डेटा इसने हटा दिया, क्योंकि यूनिक वैल्यू केवल यही बची है। लेकिन हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सोल्ड, इसमें कौन सा ऐसा डेटा है जो दो बार हमसे एंट्री हो गई है, तो उसको हम क्या करेंगे, डिजाइन के अंदर जाएंगे और यहाँ से इसको रिमूव डुप्लीकेट करेंगे, और यहाँ से हम नंबर सोल्ड वाले उस पर हेडर पे टिक करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करोगे, इसने बता दिया आपको एक वैल्यू डुप्लीकेट थी, 25 हमारी यूनिक वैल्यूज हैं, तो वो उसने फाइंड करके आपको दे दी है इस तरीके से। तो ये रिमूव डुप्लीकेट इसका बहुत अच्छा फीचर है। फोर्थ जो फीचर है इसका, इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है आप इसी टेबल को एक सिंगल क्लिक में पाइवट टेबल पे भी कन्वर्ट कर सकते हो। पाइवट टेबल क्या क्या होती है, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम एक सिंगल क्लिक में यहाँ से समराइज विद पाइवट टेबल इस तरीके से क्लिक करेंगे, तो इसने आपको यहाँ पर पूरी रेंज सेलेक्ट करके दे दी है, टेबल टू इस तरीके से बन जाएगी, और इसको आपने क्या करना है, केवल ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो ये एक नई शीट के अंदर, इस एक्सेल के अंदर इस टेबल को उसने क्रिएट कर दिया है। अब आपको जिस तरीके से भी अपने डाटा को शॉर्ट करना है, जिस तरीके से भी डिस्प्ले कराना है, आप इजीली करा सकते हो। जैसे आप यहाँ से डेट चाहिए, यहाँ से प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ से नंबर ऑफ सोल्ड चाहिए, सारा डाटा इसने दिखा दिया है। 2016 के अंदर कितने आइटम सोल्ड हुए, उसके अंदर कितने आइटम सोल्ड हुए, क्वार्टर टू के अंदर, क्वार्टर थ्री के अंदर, क्वार्टर टू के अंदर भी एप्पल ऑरेंज कौन कौन से हुए, उसके अंदर भी क्वार्टर थ्री के अंदर कौन कौन से हुए, ये सारी चीजें बड़ी इजीली इसने बता दी हैं आपको करके। तो एक सिंगल क्लिक में हम क्या कर सकते हैं, पाइवट टेबल को भी इसमें बना सकते हैं। अब इसका जो लास्ट यूज है वो है, हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल क्लिक में इसको कन्वर्ट टू रेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप कन्वर्ट टू रेंज करोगे और ओके कर दोगे, तो ये क्या होगा, डेटा फॉर्मेटिंग रहेगी लेकिन ये सारे टेबल वाले से जो बेनिफिट्स थे वो हट गए हैं। दोस्तों इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हम चीजें कर सकते हैं, जैसे अब ये टेबल बनी हुई है, मैं इसको कस्टमाइज भी अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। वो कैसे करूंगा, जैसे ये फर्स्ट कॉलम है, मेरे को फर्स्ट कॉलम का डेटा बोल्ड करना है तो वो यहाँ से हो गया, लास्ट कॉलम का डेटा बोल्ड करना है वो यहाँ से हो गया, बैंडेड कॉलम्स बनाने हैं वो यहाँ से बन जाएंगे इस तरीके से, मतलब ये कॉलम इस कॉलम की फॉर्मेटिंग अलग होगी। तो अपने इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।